हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल के एन अकेडमी। सो आज की इस वीडियो में ऑफ कैंपस हायरिंग के बारे में बात करने वाला हूं। तो यहां पे मैं दो ऑफ कैंपस हायरिंग के बारे में डिस्कस करूंगा। फर्स्ट टॉकिंग अबाउट द एसेंचर, सो दे आर हायरिंग फॉर न्यू एसोसिएट डिजिटल मार्केटिंग। ओके, सो दिस इज फॉर नॉन टेक एंड आई विल डिस्कस अबाउट फॉर टेक बैकग्राउंड। ओके, सो डिजिटल मार्केटिंग फॉर दिस, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देख सकते हैं। तो स्किल्स रिक्वायरमेंट यहाँ पे है डिजिटल मार्केटिंग एंड कैंपेन्स। ओके, सो आपको डिजिटल मार्केटिंग के यहाँ पे थोड़ी सी नॉलेज होना चाहिए एंड आपका डेजिग्नेशन जो होने वाला है वो है न्यू एसोसिएट। ओके, सो एज अ एसोसिएट आप ज्वाइन करने वाले हैं एंड जॉब लोकेशन आपका है बैंगलोर एंड क्वालिफिकेशन एनी ग्रेजुएशन। लाइक अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज है ना, आपने कुछ भी कर रखा है लाइक बीएससी, बीबीए, बीकॉम, सो एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई इन दिस। यहाँ पे ग्रेजुएशन का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है एंड ईयर ऑफ एक्सपीरियंस 0 to 1 ईयर। लाइक फ्रेश है डेफिनेटली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास 1 साल का भी एक्सपीरियंस है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो आई विल पुट अप्लाई लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकंड अपॉर्चुनिटी, दे आर हायरिंग फॉर डेटा साइंटिस्ट। ओके, डेटा साइंटिस्ट मीन्स आपको लग रहा होगा एक्सपीरियंस है, बट एक्सपीरियंस के लिए नहीं है, ये फ्रेशर्स के लिए भी जॉब है। अगर आपने डेटा साइंस में कोई भी स्किल कर रखी है तो डेफिनेटली आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर फ्रेशर। ओके, सो डेटा साइंटिस्ट फ्रेशर ओपनिंग। एंड टॉकिंग अबाउट दी अदर क्राइटेरिया, स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, तो स्ट्रॉन्ग कोडिंग एक्सपीरियंस इन पाइथन, पाइथन लाइब्रेरीज एंड टेंसरफ्लो एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, एक्सपीरियंस विद डेवलपमेंट ऑफ AI ML एल्गोरिथम, फास्ट एक्सपेरिमेंटेशन एंड आइट्रेशन एंड सेलेक्टेड मॉडल्स, NLP, NLU रिलेटेड ML एल्गोरिथम्स। सो गाइस, यहाँ पे काफ़ी अच्छी टेक्निकल स्किल्स हैं अगर आपके पास रिलेटेड, लाइक बिकॉज ये न्यू टेक्नोलॉजी है लाइक डेटा साइंस, मशीन लर्निंग एंड AI, इसकी काफ़ी डिमांड भी है। अगर आपके पास, अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं, शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, तो आपके लिए काफ़ी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। एज अ फ्रेशर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है डेटा साइंटिस्ट के लिए, बिकॉज जनरली क्या होता है कि डेटा साइंस के लिए एक्सपीरियंस पीपल के लिए हायर करते हैं, बट यहाँ पर फ्रेशर की ओपनिंग है। तो डेफिनेटली अगर आपके पास स्किल्स हैं, आपने मशीन लर्निंग किया है, NLP किया है या फिर डेटा एनालिसिस से रिलेटेड कोई भी कोर्स किया है, तो डेफिनेटली आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एंड इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और MTech। ओके, सो इंजीनियरिंग मीन्स BU BTech स्टूडेंट्स या फिर MCA MSc इन कंप्यूटर साइंस, ब्रांच आपकी कंप्यूटर साइंस ही होना चाहिए और रिलेटेड। ओके, यहाँ पे 0 to 1 ईयर एक्सपीरियंस फ्रेशर्स डेफिनेटली। अगर हम बैच की बात करें तो 21 एंड 2022 बैच। ओके, एंड एसेंचर में यहाँ पे कोई भी बैच मेंशन नहीं है, तो रिसेंट ग्रेजुएट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दी वीडियो एंड आगे की वीडियोज़ में हम इसी तरीके से हायरिंग के बारे में डिस्कस करते रहेंगे। सो थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।